तो लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भले ही बिहार में महागठबंधन एक होने का दावा कर रहा है, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो ही गया, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। बात 20 मार्च की करते हैं। होली के ठीक एक दिन पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली से पटना पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है और इसका ऐलान तेजस्वी यादव होली के बाद कर देंगे। जनता यही चाहती है। तेजस्वी यादव का भी कुछ यही बयान सामने आया था, लेकिन जब होली के ठीक दूसरे दिन महागठबंधन को लेकर शीट शेयरिंग फॉर्मूले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो तेजस्वी यादव नजर आए, ना शरद यादव, ना ही उपेंद्र कुशवाहा और ना ही जीतन राम मांझी। इन सभी आला नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि जब जीतन राम मांझी से सवाल हुआ तो वो आश्वस्त नजर आए। देखिए, जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है, सारे ये जो समीकरण है उसको ध्यान में रख करके दलित है, ओबीसी है और लोगों का और क्षेत्रीयता का भी रखा गया है ध्यान। नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भले नंबर की बात आती है तो लगता है कि आरएलएसपी को 5 मिला, लेकिन प्रकारांतर से आप देखिए जीतन मांझी को 3 लोकसभा, 1 विधानसभा का उपचुनाव और 1 विधान परिषद, 5 पर जीतन मांझी को मिला। खबर थी कि ऐलान तेजस्वी करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे करते नजर आए। इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 20, कांग्रेस को 9, राष्ट्रीय लोक समता की 5, पूर्व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी की 3-3 सीटें तय की गई हैं। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव राजद के चुनाव चिन्ह पर मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। राजद ने अपने कोटे की 1 सीट भाकपा माले को भी दी है। महागठबंधन में सब कुछ दुरुस्त नहीं होने के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। बिहार कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की ओर से कांग्रेस के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के चंद घंटे के बाद ही तेजस्वी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया था। राजद कांग्रेस को 8 सीटों से ज्यादा देने के लिए राजी नहीं थी। बाद में बातचीत हुई और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद महागठबंधन टूटने से बच गया। तो ये खास बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि महागठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इस साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के किसी भी घटक दल का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। सब लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों। दरअसल जिस समय महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी दौरान तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के तमाम घटक दलों के टॉप नेताओं की बैठक चल रही थी। सबसे बड़ी खबर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सामने आई है वो ये है कि कन्हैया कुमार, जो जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी सीपीआई को महागठबंधन में जगह नहीं मिली। सीटों के बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के वक्त बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व गायब नजर आया, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में मायने निकालने शुरू हो गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के दल बगावत की आशंका से घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।